अहम खबर शामिल करेंगे। सिंधाई कोर्ट में दूध की कीमतों से मुतालिक दरखास्त की समाअत। ग्राम फरोशी और गैर मयारी दूध के खिलाफ कार्रवाई ना करने पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया है। कराची में 160 रुपये फी लीटर दूध मिल रहा है। आपको मालूम है जस्टिस कुलहोड़ा ने इस्तफसार किया। शाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। शाहिद हुसैन बताइएगा। जी बिल्कुल, दूध की जो कीमतों में इजाफा है और उसके अलावा केमिकल शामिल करने के हवाले से ये दरख्वास्त की समाअत हुई। आज अदालत को बताया गया है कि दूध की कीमत जो सरकारी सतह पर 94 रुपए से बढ़ाकर जो 110 रुपए फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। अदालत ने बरहमी का इजहार किया, जैसे इकबाल मोहम्मद इकबाल करोड़ों ने कहा कि आपको मालूम है कि शहर में इस पर दूध जो है 160 रुपए फी किलो फरोख हो रहा है और ग्राम फरोशों के खिलाफ जो है कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। अदालत ने यह भी कहा कि केमिकल मिलाकर जो है वो दूध फरोख किया जा रहा है, जिस पर जो फूड अथॉरिटी के वकील थे उनकी जानेब बताया गया कि मुख्तलिफ जो ग्राम फरोशी और इसके अलावा जो केमिकल मिलाने के वाले दूध फरोशों के अदालत ने इतमाद किए कि दिखावे की कार्रवाई नहीं चाहिए, हकीकतन जो है इन ग्राम फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आवाम से आवाम के टैक्स जो है वो तरफा लेते हैं और उसके बाद फिर काम भी करना चाहिए। अब अदालत ने कहा है कि 21 सितंबर तक केमिकल जो मिलाकर दूध फरोख कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और सरकारी मिल्कों पर। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाए ताकि कोई खबर रह न जाए।